अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके YouTube चैनल पे अभी तक 4000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपके चैनल पे 4000 व्यूज कौन बोलता है, आपके एक एक वीडियो पे 4000 व्यूज आएंगे। मैं आपको तीन बेसिक स्टेप बताऊंगा, अगर आप इन तीनों बेसिक स्टेप को फॉलो करते हो तो आपके YouTube चैनल पे बहुत ही जल्दी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा तीन बेसिक स्टेप है जिनको आप फॉलो करते हो तो आपके चैनल पे मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और आपके 4000 का मतलब वॉच टाइम कौन बोलता है, आपके मतलब डेली चैनल पे 10-20 व्यूज मतलब हर एक वीडियो पे आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज है नागपंचमी, तो हमारे तरफ से आप लोगों को नागपंचमी की बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपको मतलब स्टेप बताऊंगा उनको आप लोगों को मतलब फॉलो करने के कुछ दिन बाद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने स्टेप चालू किया और अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, 1 से 2 दिन लगेंगे। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि कैसे रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले लगाना है अपने वीडियो में एंड स्क्रीन। और एंड स्क्रीन में कैसा एंड स्क्रीन लगाना है, जिसमें 2 वीडियो और 1 स्टिकर होते हैं वो। अगर आपको नहीं पता है कि ये एंड स्क्रीन का मतलब क्या होता है, 1 वीडियो 1 स्टिकर, 2 वीडियो 1 स्टिकर का मतलब, तो आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सब पता होगा कि एंड स्क्रीन में कौन सा क्या काम करता है, 2 वीडियो 1 स्टिकर क्या काम करता है, 1 वीडियो 1 स्टिकर क्या काम करता है, तो आप लोगों का चैनल ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर एक प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट से बता दूंगा कि एंड स्क्रीन में क्या होता है, 2 वीडियो 1 स्टिकर लगाने से क्या होते हैं, 1 स्टिकर 1 वीडियो लगाने से क्या होते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि एंड स्क्रीन कैसे लगाना है। अगर आप एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं अपने वीडियो में, तो आई बटन पर एक वीडियो को मैंने दे दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा मतलब अच्छे से बता दिया है कि एंड स्क्रीन अपने वीडियो में कैसे लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एंड स्क्रीन लगाने से फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं मार्केट एक लैपटॉप लेने के लिए, तो आप लोग लैपटॉप कहाँ से लीजिएगा, मार्केट में तो बहुत सारा होलसेल दुकान रहता है, तो आप लोग लैपटॉप कहाँ से लीजिएगा। लैपटॉप बेसिक आप वहीं से लीजिएगा जहाँ से आप लोगों को अच्छा रेट में अच्छा सामान मिले और अच्छे से उसके बारे में वहाँ से नॉलेज मिले, वहाँ से आप लोग लैपटॉप ज़रूर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ही होता है कुछ यूट्यूब चैनल पर भी और यूट्यूब हमारे वीडियो पर भी। जैसे मान लीजिए कोई व्यूअर आया हमारे वीडियो पे और व्यूअर को अच्छा मतलब हमारा जो है बताने का स्टाइल अच्छा लगा, जैसे बोलने का स्टाइल अच्छा लगा, तो वो वीडियो ज़रूर आपका देखना चाहेगा। तब जब वीडियो देखेगा तो व्यूज बढ़ेंगे। और आपका अगर वीडियो ख़त्म हो गया और मतलब आपके वीडियो के सजेस्ट में कोई भी वीडियो आपका ऑर्डर नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो यही होता है एंड स्क्रीन, जैसे ही वीडियो मतलब ख़त्म होने पे आएगा तो आपका दूसरा वीडियो, 2 वीडियो आएंगे, तो दोनों वीडियो में से 1 वीडियो उसको मतलब ज़रूर अच्छा लगेगा, उसका मतलब थंबनेल ज़रूर अच्छा लगेगा, तो जिससे आप लोगों के चैनल पे और व्यूज बढ़ेंगे और अलग अलग वीडियो पे व्यूज बढ़ेंगे। जिस पे व्यूज नहीं भी आ रहे हैं उस पे भी व्यूज आने लगेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो को मैंने आई बटन पे दिया है, वो आप ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से बहुत मतलब पूरा कंप्लीट मैंने बताया है कि एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दूसरे बेसिक स्टेप की। तो दूसरे बेसिक स्टेप में आप लोगों को करना है अपने वीडियो में अच्छे तरीके से आई बटन लगाना है। अब अच्छे तरीके से आई बटन कैसे लगाया जाता है, इस वीडियो को मैंने दे दिया है आई बटन पे। मैंने एंड स्क्रीन और आई बटन कैसे लगाया जाता है दोनों को प्लस करके एक वीडियो बनाया है, जिसको मैंने आई बटन पे दिया है और अच्छे तरीके से कैसे लगाना है ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड स्क्रीन लगाने के फ़ायदे क्या है। जैसे मैंने अभी बोला कि ये वीडियो को मैंने आई बटन पे दे दिया है, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका एक टॉपिक हो गया एग्जाम्पल में हाउ टू हाइड सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, तो अब आप लोग बोलिएगा, जैसे वीडियो बनाते रहे हैं और आप लोग बोलिएगा कि सब्सक्राइबर को हाइड करने से क्या होता है, इस वीडियो को मैंने आई बटन पे दे दिया है, वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि सब्सक्राइबर को हाइड करने से क्या होता है। तो आप लोग ऐसे बोलिएगा तो एक मतलब इंक्रीज होगा, मतलब जो व्यूअर होंगे वो आप पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ भाई, इसको मतलब कुछ आ रहा है YouTube के बारे में, ये कुछ बता पा रहा है, इससे हम लोगों को नॉलेज मिल सकता है, तो साथ में भी आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और साथ में वीडियो को लाइक भी करेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे बेसिक स्टेप की। ये स्टेप आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये स्टेप सुनने के बाद आप लोगों का मतलब जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे। आप लोगों का मतलब 4000 मिनट कौन बोलता है, बहुत ज़्यादा आएगा व्यूज आपके वीडियो पे। सिर्फ बेसिक स्टेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाइए, और जो भी वीडियो बनाइए वो ऐसे बनाइए कि मतलब व्यूअर को समझ में आना चाहिए, और अच्छे से वीडियो बनाइए। और थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि आपका वीडियो है, वीडियो का मतलब लेंथ है 2 मिनट का और आपने उसको बढ़ा के कर दिया पूरे 10 मिनट का, तो ऐसा नहीं करना है। आपका अगर वीडियो 2 मिनट का है तो 2 ही मिनट का बनाइए, इससे कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कितने सरियल से सरियल यूट्यूब चैनल को देखे हैं, और मैं मतलब अभी से मैं नहीं देख रहा हूँ यूट्यूब को, बहुत पहले से मैं यूट्यूब को देख रहा हूँ। मेरा पहले भी चैनल था, मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा, और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। मेरा पहले भी चैनल था, मैं उतना अच्छे से वहाँ पे काम नहीं कर पाया, और मैंने यूट्यूब मतलब उतना भी नॉलेज भी नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को धैर्य से वीडियो बनाना है, कभी भी घबराना नहीं है। अगर 2 दिन में एक वीडियो निकाल पा रहे हो तो 2 दिन में एक वीडियो निकालो, या फिर 1 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हो तो 1 दिन में एक ही वीडियो अपलोड करो, अच्छे से करो, अच्छे से थंबनेल बनाओ, टाइटल वगैरह लिखिए। और मैंने वीडियो 2-3 वीडियो को दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो पढ़ पढ़ के कि कौन सा क्या वीडियो है, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में आपके साथ।